चुप कर जाओ। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स बहुत बार हम रिवाइज कर चुके हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, आप बताओगे। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था बोलो। चलो फिर रहने दो, जब पता होगा तब पूछ लेना। चलो ये कौन बताएगा, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स पी एंड क्यू, कौन बताएगा? एंड विच रूल यू विल यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बताओ विच रूल यू विल यूज, कौन सा? लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। चलिए लगाइए रूल और बताइए क्यू पॉइंट पे, बताओ पहले व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू पॉइंट। डाउनवर्ड्स, मतलब देखो दो ही आंसर है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। आपने अपवर्ड बोल दिया तो गलत हो गया। ये देखिए करंट इधर जा रहा है, कीप थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब कर्ल योर फिंगर्स, इधर से कर्ल करते हो ये इनवर्ड जा रही है, इधर वाले पॉइंट से फिंगर आउटवर्ड आ रही है। तो इधर इनवर्ड जा रही है ना फिंगर्स, और इस साइड पे जो पॉइंट है थंब के इस साइड पे, वहां से फिंगर बाहर आ रही है आउटवर्ड। सो हियर इट इज इनवर्ड और डाउनवर्ड, एंड हियर इट इज अपवर्ड और आउटवर्ड। सो इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर टू यू? मतलब अदरवाइज मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होंगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होंगी ना। पर आप देखो थंब इधर है, एक पॉइंट इस साइड पे राइट साइड पे, एक पॉइंट इस साइड पे लेफ्ट साइड। तो जब आप कर्ल करते हो स्लो मोशन में, देखो जब आप कर्ल करते हो क्यू पॉइंट से फिंगर अंदर को जा रही है और क्यू पॉइंट से पी पॉइंट से बाहर को है, ठीक है? जब आप ऐसे कर्ल करते हो तो इधर इनवर्ड जा रही है, इधर से आउटवर्ड जा रही है। सो इनवर्ड आउटवर्ड। किसी को नहीं क्लियर हुआ हो पूछ सकते हो। विमान उपल, एक बार रिपीट कर दो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड क्यू पॉइंट। यस बोलो जल्दी, हरी अप स्टैंड अप, रिपीट करो। हाँ जी, क्या कर रहे थे, क्या नोट कर रहे थे? कॉपी लाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं नोट करने को अभी। हाँ मैं भी वही पूछ रही हूँ, बताओ आंसर। स्टैंड अप, स्टैंड अप। इतना कौन सा, मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम बना दिया है तो तुम्हें बनाने में इतना टाइम लग रहा है? ओके फाइन, अब नेक्स्ट। व्हाट करंट तो पूछा ही नहीं है। इन विच डायरेक्शन द अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट मूव्स थ्रू अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। इन विच डायरेक्शन द अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन इट इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम द रूल, विच रूल इज दिस? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। चलिए अप्लाई करिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? यस यू, ये दोनों इधर जो बातें कर रहे इतनी लाउडली, यू स्टैंड अप। हाँ जी स्टैंड अप, आंसर तो बताओगे ना? अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए, बाहर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली, एक मिनट यहीं पे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जब तक हंसी बंद नहीं होती यहाँ आ जाओ। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली? हाँ एक आंसर बताओ, नेगेटिवली। न्यूक्लियस है ना अल्फा पार्टिकल, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है?
है ना, ये तो आई थिंक सेवेंथ के बच्चे के भी पूछ लें कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नहीं, तो उसको भी पता होगा, और इलेक्ट्रॉन्स सबको पता है कि वो नेगेटिवली चार्ज होंगे. सो हियर इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो ये सेंट्रल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रखिए. स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर्स एट राइट एंगल्स, और मिडल फिंगर जो है आप अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में रखिए. फोर फिंगर ऑलरेडी हमारी हॉरिजॉन्टल है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लुक एट द थंब, करिए रूल अप्लाई, अपने अपने हाथ से रूल अप्लाई करिए. इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड्स थंब अंदर की तरफ है. अप्लाई द रूल ऑल ऑफ यू योर सर. हरलीन का हाथ कहाँ है? चलो अप्लाई द रूल. हाँ जी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड्स. ठीक है, नव्य आपका आंसर सेम था, यू रेज्ड हैंड. ओके ओके, चलिए अब हम बनाते हैं. आप डिवाइस आइडेंटिफाई करोगे, विच डिवाइस इज दिस. हाँ, दिस इज एन इलेक्ट्रिक मोटर. टेल मी हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन आर्म एसी. कौन सा रूल यूज करोगे और कौन सी डायरेक्शन आएगी? विच रूल आप बताओ, कौन सा रूल यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड रूल अकेला किसी पर्सन ने नहीं दिया था, उसका नाम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, हम जान के ऐसे मार्क्स नहीं ना कटवा सकते, रूल का नेम पूरा बोलना है, किसका रूल है. हाँ जी बोलो. क्यों होगी फोर होगी? हाँ एक्सप्लेन करो. चलो तान्या, हाँ लगाओ रूल, लगाओ स्टैंड अप, रूल लगाओ, दिख नहीं रहे हो आप. चलो बताओ, एसी और बीडी पैरेलल है. मैंने बीडी की तो अभी बात ही नहीं की, एसी की बात कर रहे हैं. हाँ जी बताओ. हाँ मैग्नेटिक फोर फिंगर उधर करो. ऐसे करें करंट. हाँ हम इसको ऐसे रख रहे हैं. ये जो ए बी है ना साइड कॉइल की, दैट इज विद द बोर्ड. बाकी जो सी और डी पॉइंट यहाँ पे है, द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. तो ये ए में से करंट ऊपर आ रहा है, ए बी ये इधर आ रहा है करंट, सी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट यहाँ पे है, तो मिडल फिंगर आपने इधर करनी है करंट की डायरेक्शन. ये फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो सी द डायरेक्शन ऑफ थंब अपवर्ड्स. तो ये मेन रीजन यही है, क्योंकि करंट पैरेलल थोड़ी है, वो तो फिर फील्ड और करंट पैरेलल हो गए, वो तो हमारा रूल ही वैलिड नहीं रहा. तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती हैं. ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड्स. आपको जो टेस्ट दिया था उसमें डायग्राम पूछा था, जब तक आप फोर्सेस मार्क नहीं करते आपका डायग्राम इनकम्प्लीट. So those who didn't draw all the two forces, उनका मैंने half mark deduct किया था. First question तो almost सभी का ही गलत था. Magnetic field due to straight wire carrying current, हाँ वो मैं करवा देती हूँ आपको. और third question क्या था? हाँ electromagnetic induction, उसमें एक weird सी definition सामने आ रही है, कई बच्चों ने लिखी हुई है. When the conductor is moving, electrical conductor is moving, when it is at rest in magnetic field, no current, when it is moving continuously, कुछ ऐसा. और तीन चार बच्चों ने बिल्कुल सेम भी लिखा है, तो वो पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया उसका मीनिंग. तो मैंने उनको कहा है कि doesn't make any sense.
तो कौन बताएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या स्टेटमेंट है? और कॉयल वर्ड यूज करिए, कंडक्टर वर्ड यूज मत करिए। हम सीधा सीधा वहां कॉयल लेते हैं, वो कॉयल की फॉर्म में होना जरूरी है। वायर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ कॉयल बिकॉज फैराडे टुक अ कॉयल ऑफ वायर इन हिज एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ऑल राइट दिव्यांश बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हाँ जी याद नहीं आ रहा, सोचने की कोशिश करो आप बताओ। ये देख लो अभी टेस्ट में दिया था आपने, टेस्ट किया फिर तो याद आना चाहिए। वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन गलत था। रियान अक्षित EMI की फुल फॉर्म बताओ। चलो कईयों ने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन भी लिखा हुआ, हाँ, और किसी ने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा है। कम से कम ये तो बताना चाहिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ चलो बताओ क्या होता है अक्षित? क्या चेंज होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, कैसे होता है? कॉइल से करंट प्रोड्यूस, ये कॉइल पड़ा है हमारे पास वायर का कॉइल, करंट कैसे प्रोड्यूस होता के लिए पड़ी है, क्या बैटरी से तो करेक्ट नहीं करना है। फैराडे ने तीन चीजें ली थी, मैं बता देती हूँ। ही टुक अ कॉइल ऑफ वायर, एक मैग्नेट और एक गैल्वेनोमीटर, उसने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट। अब याद आ रहा है? सो ही मूव द मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे, ही मूव द कॉइल टूवर्ड्स और अवे एंड गैल्वेनोमीटर शोड अ रिफ्लेक्शन इंडिकेटिंग इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड। तो बस यही EMI है। सो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। या फिर आप कह सकते हो कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल या मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन। ठीक है, इज दैट क्लियर? आज ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम बोल रहे हैं ये पता क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो ये पता चल रहा है ना, व्हेन वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से ऐसे होता है, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट and induced current is produced in. ठीक है, is that fine? चलो अब डीडी आर्म पे क्या है? हमने डायग्राम में इन्हीं दोनों आर्म्स पे Q4 शो किए, यहाँ क्यों नहीं शो किया इन दोनों आर्म्स पे? हाँ, और इसमें सिर्फ करंट ऑपोजिट हो जाएगा तो F4 की डायरेक्शन विल बी दिस साइड and they will be acting along same line of action will get cancelled and that's why we don't talk about them. We have not mentioned the direction of force on these two arms. Side arms पे force लगता है तो वो हमने diagram में दिखा दिया। ठीक है, तो ये electric motor होगी। Who will tell me the function of split ring commutator arrangement in motor? हाँ, और टू कीप द कॉइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, टू कीप द कॉइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट स्प्लिट रिंग्स आर यूज। स्प्लिट रिंग्स आर टू हाफ्स ऑफ सेम रिंग, स्प्लिट रिंग्स आर टू हाफ्स ऑफ द सेम रिंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब। देयर वॉज अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। I think it was 10 ampere and we were supposed to find magnetic field at a distance of 5 centimeter. We were supposed to find magnetic field at a point which was 5 centimeter away from this current carrying wire. So straight wire carrying current ka formula kya magnetic field ka? Mu not I over 2 pi r. Ye to chalo likh diya tha, aage solve
करने के लिए अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है. आर यूनिट मस्ट बी प्रॉपर. अक्षत, यूनिट आप सेंटीमीटर में थोड़ी ले सकते हो, ये कोई ऐसा यूनिट थोड़ी है. नाइन्थ में तो चलो प्रॉब्लम आ रही थी, टेंथ में थोड़ी आनी चाहिए यूनिट की प्रॉब्लम. नो. और म्यू नॉट क्या है? 4 pi × 10⁻⁷ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. करंट है 10, पाई को ऐसे ही रहने दो कट जाएगा, और रेडियस है 0.05. पता नहीं कहां से वो सेम चीज ट्रेवल कर जाती है, यहाँ पे 10⁻² यहाँ 10⁻², लिख के बैठे हैं एक दूसरे को भेज देते हैं. आई डोंट नो व्हाट यू पीपल डू. तो 2 × 10⁻⁷ और ये भी ऊपर ले लो दो जीरो, −7 और +3 −4 हो गया ओवर 5. ठीक है, 2/5 इज 0.4. ये आंसर है आपका टेस्ला में. सो मैग्नेटिक फील्ड इज 4 × 10⁻⁵ टेस्ला. जितनों ने टेस्ट दिया आधे से ज्यादा 4 × 10⁻⁹ कह रहे हैं. तो ये है आंसर, प्लीज नोट इट डाउन. आंसर वाज 4 × 10⁻⁵ टेस्ला. ज्यादातर बच्चों ने तो सेंटीमीटर को मीटर में नहीं किया, और उससे भी ज्यादा बच्चों ने वो जो मैंने आपको बताया करंट को 10 कहीं नहीं मेरे को वैल्यू फिल की हुई नजर आ रही वहां पे, ऊपर 10⁻², 10⁻². पता नहीं एक बच्चे ने गलती की होगी, है ना, बाकियों ने भी उसी से देख के वो भेज दिया. और यही नहीं, अपने ही सेक्शन ही अब तो दूसरे सेक्शन से मंगवाना शुरू हो गए. अब तो दूसरे सेक्शन की शीट्स भी मेरे पास पहुंच रही हैं, और ये नहीं पता कि मैं उस सेक्शन को भी पढ़ाती हूँ. इसका कोई फायदा नहीं ऐसी इनोवेशन का, जहां करनी चाहिए वहां करो. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? फॉर्मूला आप लोगों ने किया हुआ था, ऐसे ही सोलिनॉइड का भी किया हुआ है म्यू नॉट एन आई, बट जब उसका न्यूमेरिकल आ गया तो आपसे सॉल्व नहीं हो. यूनिट भी लिखना है साथ में, टेस्ला इज द यूनिट. ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन. कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ a solenoid of length, at the center of a solenoid of length 2 meter having 5 layers of 200 windings each, having 5 layers of 200 windings each, 5 layers of 200 windings each. If 3 ampere of current flows through it, if 3 ampere of current flows through it, कौन बताएगा फॉर्मूला? हाँ, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 आर नहीं, वो तो सर्कुलर कॉइल का था, ये तो सॉलिनॉइड है ना. सोलेनाइड का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई, इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड अमाउंट ऑफ करंट. तो सी द फॉर्मूला, वो सर्कुलर कॉइल का था एन इंटू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर. सोलेनाइड का है म्यू नॉट एन आई, वेयर एन क्या था? चलो, नो नो नो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, ध्यान रखिए. ये सॉलिनॉइड में दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 5 लेयर्स हैं, हर लेयर में 200 टर्न्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए. और लेंथ कितनी है? 2 मीटर. सो देयर आर 500 टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सॉलिनॉइड. सो फर्स्ट थिंग इज वी विल फाइंड स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से किसका?
वो रहा, अब वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू नॉट इज 4π × 10⁻⁶ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 500 एंड करंट इज 3 एम्पीयर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा टेस्ला में, ठीक है। यू विल सॉल्व दिस एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड कैरिंग करंट। ठीक है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, हु विल टेल मी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? यस, हु विल टेल मी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? कुछ नहीं याद है ना, जसलीन आप बताओ, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट फुल नेम क्या है ओरस्टेड का? यस, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, जसलीन कहाँ गई बताओ? क्या होता है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? एक मिनट बच्चे बोलो कुछ, तो याद है आपको? याद है, चलो बताओ, बोलो, याद है तो बोलो, क्या या ड्रॉ कर सकते हो आप? आज ड्रॉ करो, कम ड्रॉ इट, कॉपी पे कर सकते हो, कॉपी पे। अभी आपने कहा मुझे याद है, प्रभजोत आप बताओ, स्टैंड अप, क्यों नहीं आता? पहला टॉपिक है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, फर्स्ट टॉपिक है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। महक, कॉइल जरूरी नहीं है यहाँ पे। सो व्हेन करंट पासेस, हाँ बताओ, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ वायर और कंडक्टर इट हैज मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट ड्यू टू विच अ कंपास नीडल केप्ट वर्टिकली बिलो इट गेट्स डिफ्लेक्ट। बैठ जाओ, बैठो। तो अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा एक पॉइंट आपको क्लियर करना है मैंने, कि एक वायर थी जिसके साथ हमने करंट का प्रोविजन रखा है, सो दिस वायर ए बी एंड कंपास नीडल इज केप्ट वर्टिकली बिलो, हम यही कहते हैं एक्सपेरिमेंट में कि देयर इज अ मैग्नेटिक कंपास नीडल केप्ट वर्टिकली बिलो द वायर, सो व्हेन करंट विल पास थ्रू इट नीडल ऑफ कंपास नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड, दिस इज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो उसने फर्स्ट टाइम प्रूव किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड, करंट के साथ मैग्नेटिज्म को अटैच किया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब अगर हम कंपास नीडल को वर्टिकली बिलो के प्लेस में, वर्टिकली अबव द वायर रख दें, देन व्हाट विल हैपन? विल द डिफ्लेक्शन बी इन द सेम डायरेक्शन और व्हाट? विल द डिफ्लेक्शन स्टिल बी इन द सेम डायरेक्शन? इट विल गेट रिवर्स्ड नाउ, ठीक है। तो ये नोट करिए कि अगर वर्टिकली बिलो थी कंपास नीडल, हम उसको वर्टिकली अबव रख दें वायर के, तो रिवर्सल होगा डायरेक्शन में। अनदर ऑब्जर्वेशन इज, सो व्हेन द कंपास नीडल इज केप्ट वर्टिकली बिलो देयर इज डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू स्नो रूल, बट इफ वी कीप द कंपास नीडल अबव, वर्टिकली अबव द वायर, the direction of reflection will change, reverse. And another situation is, if now we keep the compass needle parallel to the wire, ab hum uske pass rakh dete hain, now will there be any deflection or will the deflection be in the same direction? What do you say? ab hum compass needle ko vertically below bhi nahi rakhte, upar bhi nahi rakhte, hum uske parallel rakh dete hain current carrying wire ke parallel, the direction in which current is being carried, we keep it parallel. Now will the compass needle show deflection? Why no?
उसका कोई रीजन तो होगा ना, क्या रीजन होगा अकॉर्डिंग टू यू? यस, इज देयर एनी रीजन फॉर दैट? बच्चे सीट कंफर्टेबल नहीं है, आप इधर आ जाओ फर्स्ट बेंच। लक्ष्य बैठा नहीं जा रहा ना आपसे ठीक तरह। हाँ जी, एनी आंसर? क्यों पैरेलल है? देखो हम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते हैं ना उस मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये परपेंडिकुलर होता है, करंट जिस डायरेक्शन में है और फील्ड जिस डायरेक्शन में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जिस प्लेन में है वो ये है और ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन, सपोज ये वाला प्लेन, तो हम तो करंट को ऐसे ले रहे हैं इस प्लेन में और थंब उसके परपेंडिकुलर है, करंट उसके परपेंडिकुलर है, तो जब करंट उसके पैरेलल फ्लो कर रहा है तो फिर वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तब कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि करंट एंड प्लेन ऑफ द नीडल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और कौन सा फॉर्मूला है उसका, कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला कौन सा है? स्नो रूल, तो चलो वो रूल की डायरेक्शन है, यहाँ तो वो फ्लो ही नहीं करेगा ना, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ही नहीं, नीडल डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी इसके, तो हमें कंपास नीडल वर्टिकली अबव या वर्टिकली बिलो ही रखनी होती है, पैरेलल नहीं रखनी होती। उसके साथ रखोगे, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करोगे तो नहीं होगा। हाँ, एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा आप कह सकते हो, तो उसमें थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, अगर पैरेलल होगा तो वो जीरो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम बी की बात कर रहे हैं, एफ की बात नहीं कर रहे, है ना, हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, कौन बताएगा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? जिया जिया बताओ आप, एक मिनट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? प्रिंसिपल बताइए। हाँ जी, से समथिंग, डू यू नो? मोटर का प्रिंसिपल नहीं आता, मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था लास्ट टाइम, डू यू रिमेम्बर कीवर्ड? टॉर्क, अब याद आया? टॉर्क वाली प्रिंसिपल था, टॉर्क का, अब याद आया कुछ? नहीं आया, अब तो आ जाना चाहिए। ये कौन है इधर? हरलीन, आप बताओ क्या क्वेश्चन है? प्रिंसिपल ऑफ मोटर, हाँ जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बस माल है। व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्ट्स ऑन इट दैट रोटेट्स। पढ़ के आना कल,